कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। अरविंद शर्मा ने सीएम खट्टर से मुलाकात की है, इसको लेकर मुलाकात में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। कांग्रेस को ये झटका दे सकते हैं अरविंद शर्मा। जी हाँ, आपको बता दें कांग्रेस नेता अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई और मुलाकात में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली में यह मुलाकात हुई। राजनीतिक मायने अगर निकाले जाए तो कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। अरविंद शर्मा ने सीएम खट्टर से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद अगर राजनीतिक मायने देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटका लग सकता है और अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अरविंद शर्मा ने सीएम खट्टर से ये मुलाकात की, कई बीजेपी के नेता भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। दिल्ली में ये मुलाकात की गई और ये मुलाकात कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उसी वजह से ये पूरी मुलाकात हुई है। मुलाकात में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में ये मुलाकात की गई, कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं चुनावों से पहले अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा ने सीएम खट्टर से मुलाकात की, कई नेता मौजूद रहे बीजेपी के और इस मुलाकात को लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। मुलाकात में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुलाकात में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, राजनीतिक मायने अगर निकाले जाए, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को एक झटका लग सकता है। तौर पर एक मजबूत दावेदार है क्योंकि पूर्व सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। सिलसिलेवार अगर दर्शकों को खबर समझाना चाहें तो हरियाणा भवन में सुबह 10 बजे से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज थी। मुख्यमंत्री यहां मौजूद थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे, कृष्णपाल गुज्जर भी पहुंचे और उनके बाद कलराज मिश्र भी पहुंचे। इस बीच जो हमने देखा यहाँ हरियाणा भवन में, अरविंद शर्मा भी आए, करनाल से पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस के, और उनके आने के बाद लगातार ही चर्चा हो रही थी कि उनके मायने क्या है, क्या बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आधिकारिक तौर पर तो ये नहीं कहा गया है ना बीजेपी की तरफ से ना अरविंद शर्मा की तरफ से, लेकिन निश्चित तौर पर ऑफ रिकॉर्ड ये बात जरूर कही जा रही है कि काफी अच्छे तरीके से उनकी मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं से यहाँ हरियाणा भवन में मुलाकात हुई है और बहुत हद तक संभव है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि शुरुआती तौर पर यहाँ इन तमाम नेताओं से बातचीत करने के बाद अरविंद शर्मा फिलहाल निकल चुके हैं और उनकी मुलाकात के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात निकलने के बाद जो पूरे मायने अगर अरविंद शर्मा की मुलाकात के निकाले जा रहे हैं यही है कि बीजेपी में शामिल होने की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। और ये घटनाक्रम इतनी तेजी से चल रहा है कि अगर आला कमान से परमिशन मिल जाती है तो हो सकता है कि आज ही इस चीज का औपचारिक ऐलान भी हो जाए। लेकिन फिर एक बार बता दें कि ऑन कैमरा अभी अरविंद शर्मा ने चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की मुलाकात रही है, एक घंटे बिताना मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं के साथ, तो इसके मायने अपने आप में यही नजर आते हैं कि अपनी दावेदारी ठोकते हुए अगर बात बनती है तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अरविंद शर्मा। और कहीं ना कहीं विनोद, ये संकेत जो है बीजेपी के कई नेता देते हुए भी नजर आए थे। अगर बात कर ले सुभाष बराला की तो एक कार्यक्रम के दौरान वो भी कहते हुए नजर आए थे कि अभी बहुत से नए चेहरे शामिल होने वाले हैं बीजेपी में। हाँ, ठीक कहा आपने। और ये बात सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं, विधानसभा तक की तैयारियों के लिहाज से 6 से 7 विधायकों की खबर टोटल न्यूज लगातार अपने दर्शकों को दे रहा था और वो न्यूज जो है अभी भी हम बने हुए हैं, जिसमें एनएलओ से लेके कांग्रेस के कुछ और खास तौर से निर्दलीय विधायक बात थे। लेकिन लोकसभा के लिहाज से ये जो मुलाकात है अरविंद शर्मा की सबसे अहम हो जाती है। सुभाष बराला का भी दावा था कि तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता का मतलब कि या तो पहले विधायक रहे हों, सांसद रहे हों या मौजूदा हों या मंत्री रहे हों, वो लगातार संपर्क में है। और जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव आयोग
इलेक्शन का ऐलान कर चुका है पूरे देश में। हरियाणा में भी गतिविधियां बढ़ गई हैं और बीजेपी की तरफ दूसरे दलों के कुछ नेता भी लगातार संपर्क कर रहे हैं और लगातार आज तस्वीरों के साथ हम टोटल न्यूज उन चीज को दर्शकों के सामने रख भी रहे हैं। जी विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अरविंद शर्मा ने सीएम खट्टर से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं ये मुलाकात तब्दील हो सकती है, मुलाकात से मायने निकाले जा रहे हैं कि अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है अरविंद शर्मा का। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक गंगा है, ये मैं विधानसभा में भी बोलता हूँ और आप सब पत्रकार छायाकार मेरे भाई बंधु हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में लोग, ये चुनाव का कार्यकाल है ना, आचार संहिता लग गई है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। वो सहज ऐसा व्यक्तित्व है कि वो अवेलेबल रहते हैं। तो पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है क्या? पार्टी में शामिल करवा रहे हैं उनको? अभी कोई शामिल होने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बहुत सहज हैं, सरल हैं और वो कभी भी कोई भी उनसे मिल सकता है। साधारण जो मुलाकातें हैं उनको इस बात से नहीं जोड़ा। अरविंद शर्मा क्या, मगर अरविंद शर्मा जी को भी आप लोगों की सहजता सरलता पसंद आ रही है, लगता है कि पार्टी का हाथ थाम रही है? आपसे कहा ना बंधु, ये महाकुंभ अभी होके हटा है प्रयागराज में और एक महाकुंभ और होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक गंगा है। इसे जो उम्मीदवार यहाँ से होना चाहता है वो अपना बायोडेटा लेकर के सभी प्रमुख लोगों के साथ मिल रहा है, दे रहा है, अभी उसके बारे में बैठ करके जो उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए आपस का सलेक्शन अभी नहीं हो पाया। अभी पहली बार जब बैठेंगे उसमें सारी चीज़ें सामान्य तौर पर नाम सबके बताए जाते हैं। कुछ विधायक और राज्य के मंत्री भी क्या टिकट मांग रहे हैं लोकसभा का? आपको ये लोग अपना आते ही देते हैं। ठीक है, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू रहेगा, जो मौजूदा सांसद है उनको टिकट दी जाएगी। ये विनिंग जो होगा विनेबिलिटी फार्मूला होगा। अरविंद शर्मा ने सीएम खट्टर से मुलाकात की है और मुलाकात में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे, यही वजह है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी शुरुआत से ही कहती आई है दरवाजे खुले हैं, स्वागत किया जाएगा अगर किसी भी पार्टी का कोई नेता शामिल होना चाहता है, साथ ही संकेत भी दिए थे। वही रेणु भाटिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेणु जी, क्या कहेंगी, क्या कयास जो है अब इस मुलाकात से लगाने शुरू हो गए हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, अगर अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या स्वागत के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें जो हमारी जो राष्ट्र से जुड़ी हुई नीति को विश्वास करता है, राष्ट्र की नीतियों पर अमल करना चाहता है, राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, वो हमारे साथ वेलकम है। और आप तो केवल एक व्यक्ति की बात कर रही हैं, अभी आप देखिएगा जैसे जैसे माननीय मोदी जी की नीतियों समझ में आने लगेंगी इन लोगों को, जो दूसरी पार्टियों से विपक्षी पार्टियों के लोग हैं जो अब ये समझ गए हैं कि उनके अपने जो नेता हैं वो उनको किसी भी बेनिफिट देने की सोच में नहीं है जनता को, तो जो चुन के आता है या जो नेता बनता है, जो चुनाव लड़ता है या जो संगठन से किसी भी जुड़ता है, वो जनता के हित के लिए जुड़ता है। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो केवल एक परिवार अपने आप को बढ़ाने में लगा हुआ है तो जनता का कहीं हित सोचने की बात नहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में ही आना पसंद करते हैं। रेणु जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से नए चेहरे अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पार्टी को इससे पूरा फायदा मिलेगा? नहीं, पार्टी इस बात को सोचकर नहीं चलती कि हमें फायदा मिलेगा या नहीं, हमें हर वो व्यक्ति पसंद है जो राष्ट्र के हित की बात करे और सोचे। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं जुड़ते, अगर जुड़े भी होते हैं तो हम अलग हो जाते हैं जो राष्ट्र हित नहीं सोचते। तो हमारे पास राष्ट्र हित को सोचने वाले, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भला सोचने वाले व्यक्ति हमेशा वेलकम है, चाहे वो किसी पार्टी की। बिल्कुल, लेकिन ये जो मुलाकात सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी?
देखिए माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, 100 तरह के लोग उनसे रोज मिलते हैं, उनमें ये भी एक है। इन्होंने अपनी क्या बात रखी अभी ये पूरी स्पष्ट तौर पर बाहर नहीं आई है, परंतु किस विषय पर मिले हैं, नॉर्मली मीडिया या विपक्ष एक ही चीज को लेकर मिलने को एक ही चीज की दृष्टि से देखता है कि वो शायद पार्टी में आ रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, परंतु आजकल चुनावी दौर है तो ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारी नीतियों पर विश्वास करके आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल रेणु जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ तरुण भंडारी भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तरुण जी, अरविंद शर्मा की ये मुलाकात, राजनीतिक नजरिए से आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जी, कि जो अरविंद शर्मा हैं जी, वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट आज से 6-5 साल पहले थे। उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ के वो बीएसपी में चले गए थे, बहुजन समाज पार्टी, वहां के वो प्रदेश अध्यक्ष बने। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने दो जगह से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। और दूसरी बात अरविंद शर्मा जी की मैं ये बताना चाहता हूँ, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी से भी मिले थे, वो कई और नेताओं से भी मिल चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मिल रहे हैं, मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में अगर सीएम खट्टर से मुलाकात हो रही है तो राजनीतिक मायने कयास तो लगाए ही जाएंगे। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी मुलाकात से, या वो बीजेपी में चले जाएं, क्योंकि बीएसपी के वो कैंडिडेट थे। हमारे पास 10 की 10 लोकसभा में सक्षम उम्मीदवार हैं, हमारे पास मजबूत एक लड़ी है उम्मीदवारों की। और आज जो आप बात ये अरविंद शर्मा जी की कर रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी के आप पूर्व सांसद ना बता के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी बताइए। तरुण जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की लहर कह सकते हैं हम, अभी हालिया में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी लहर ही कहेंगे, जिस तरीके से जीत दर्ज करते आ रहे हैं बीजेपी वाले, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को एक झटका लग रहा है? कांग्रेस के जो नामचीन चेहरे हैं वो अगर बीजेपी का रुख कर रहे हैं तो क्या इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या बीजेपी वाकई ज्यादा कुछ अच्छा विकास का कार्य कर रही है? यही वजह है कि चेहरे जो है अब वो बीजेपी लहर के साथ जा रहे हैं। आपका प्रश्न मेरे उत्तर से लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं आपको बता दूं कि आप प्रदेश में लहर की बात कर रहे हो जी। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर है, एक चुनाव से आप लहर की बात नहीं कर सकते। अगर लहर की बात करनी है तो क्या यूपी में ये जो जहाँ से इनके मुख्यमंत्री लगातार चुनाव मेंबर पार्लियामेंट का जीतते थे, इनके उप मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव जीतते थे वो दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है, तो क्या यूपी में कांग्रेस की लहर है? गलत बात है, एक चुनाव से कभी भी लहर की बात नहीं होती। आप प्रदेश में जींद का उपचुनाव जो था वो चुनाव वो था, हम कांग्रेस पार्टी वहां कभी भी मजबूत नहीं रही, पिछली बार हमारी वहां जमानत जब्त हुई। ये तो वो पार्टी है जो आज जात पात के नाम पे जो 154 वादे करके आई थी, वादों को दूर करके जात पात की राजनीति करती है, ये बता दे भारतीय जनता पार्टी। तरुण जी, आपको लगता है कि हरियाणा में जो बीजेपी है जात पात की राजनीति करती है? रेणु जी भी हमारे साथ हैं। रेणु जी, साफ तौर पर तरुण जी का ये आरोप है कि जो बीजेपी है जात पात की राजनीति करती है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? प्रीति, एक तो आप ना तरुण भंडारी जी को छोटे छोटे प्रश्न पूछा करें, इनको लंबे प्रश्न समझ नहीं आते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने बात करी कि हमारे पास 10 लोकसभा सीटों पर मेंबर्स हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने फिर भी जींद के उपचुनाव में जो इनकी दृष्टि से, इनकी बड़ी पार्टी की दृष्टि से एक छोटा चुनाव था, फिर भी उसमें ऐसे बड़े व्यक्ति को खड़ा किया जिसको इन्होंने फ्यूज बम साबित किया। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं वो हमारा व्यक्ति नहीं था, तो इनके तो कई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इनसे दूर होकर गए और फिर इनके पास आए, तो ये तो किसी को भी अपना कहने में जुटला देंगे आज हारी हुई परिस्थिति में। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर आस्था जताएगा उसके खिलाफ ये जरूर बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है हमारा कोई वर्चस्व रहा नहीं, हमारे को कोई पूछेगा नहीं, हम लोग उस लड़ी की तरह है पटाखे की जिसमें केवल आग लगाने से सुरसुरी लगती है, कोई बम नहीं बचता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस हर व्यक्ति का आदर करती है, सम्मान करती है जो अपनी गलतियों को भुलाकर देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, हर व्यक्ति की अच्छाई की सोच में आगे बढ़ता है। बिल्कुल रेणु जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।